कांग्रेस महानगर अध्यक्ष पर छेड़छाड़ के आरोप में FIR दर्ज। मुरादाबाद कांग्रेस महानगर अध्यक्ष सहित 5 लोगों पर एक महिला ने घर में घुसकर छेड़खानी करने व मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया है। महिला का आरोप है कि हाजी रिजवान खुद कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष हैं और समाजवादी पार्टी के देहात विधायक हाजी इकराम कुरैशी के भतीजे हैं, इसीलिए वो दबंगई कर रहे हैं। पीड़िता का आरोप है कि उनके घर के नीचे बनी दुकान को फरहान कुरैशी नाम के व्यक्ति ने किराए पर ले रखा है, जहां वो मीट के कबाब बेचने का धंधा करते हैं। 26 अगस्त को उनके घर में ज्यादा धुआं आने के कारण जब उन्हें फरहान कुरैशी को टोका तो फरहान कुरैशी ने अपने भाई फैसल रफीक व कांग्रेस नेता हाजी रिजवान कुरैशी व 2-3 अन्य लोगों को बुला लिया, जो उनके घर में घुस आए और उनके साथ गाली गलौज करते हुए उनके साथ गंदी गंदी हरकतें करने लगे। साथ ही धमकी देने लगे कि तुम्हें जान से मार देंगे। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता हाजी रिजवान, जिन्हें वो अच्छी तरह पहचानती थी, उन्होंने भी धमकी देते हुए कहा कि पुलिस भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। पीड़िता का ये भी आरोप है कि आरोपियों के पास हथियार भी थे। शोर शराबा होने के कारण ये सभी जान से मारने की धमकी देते हुए वहाँ से फरार हो गए। गंदी गंदी गालियाँ बकी। अब हमारी मम्मी ने इनको समझाया कि रहने दो, मेरी बेटी ने गलत थोड़ी कहा है। तो इन्होंने अम्मी को भी गालियाँ बकी, हमें भी बकी, और साथ में उनको रिजवान कुरैशी को और उनको अपने भाई को फैसल को बुला लिया, और उनके साथ 2-3 और भी लोग थे, तो उन्हें हम नहीं जानते जो लोग उनके साथ में थे, लेकिन इनको रिजवान कुरैशी को और फिर फैसल को हम जानते हैं। ये लोग आए और हमारे साथ बहुत बदतमीजी की, गंदी गंदी हरकतें की और मारने की धमकी देने लगे। बोले अगर तुम ज़्यादा बोलोगी तो तुम्हें मार देंगे और दुकान तो खाली करेंगे नहीं, और ऐसा बहुत बदतमीजी करी इन्होंने हमारे साथ। बहुत गंदी गंदी गालियाँ दे रहे थे, हथियार भी साथ में थे इनके, बहुत ज़्यादा गालियाँ बक रहे थे ये हमें। तो आपके साथ क्या करा इन्होंने? हमारे साथ बदतमीजी करी, गलत गलत हरकतें करी बहुत ज़्यादा। कौन कौन थे जो अभी आपने नाम ये था? इनके ये फरहान कुरैशी थे और फैसल कुरैशी थे। इन्होंने हमारे पेट में भी लाते मारी, बहुत बदतमीजी से पेश आए। अब आपको क्या बताएं, बहुत ज़्यादा गंदी गंदी हरकतें करी इन्होंने। मतलब और इन्होंने कांग्रेस के उसमें ये रिजवान कुरैशी थे और इन्होंने बहुत बदतमीजी करी हमारे साथ, बहुत ज़्यादा गंदी गंदी गालियाँ भी दी। और ये कहते हैं कि पुलिस भी हमारा कुछ नहीं कर सकती, कपड़े वपड़े भी हमारे फाड़े, बहुत बदतमीजी करी और कहा कि पुलिस भी हमारा कुछ नहीं करती, जाओ जो तुमसे हो सके वो करवा लो और दुकान अब तुम्हारी नहीं मिलने वाली। अब ये बताइए, हम गरीब बेसहारा लोग हैं, हमारे छोटे छोटे ये बहन भाई, हमारे पापा भी नहीं हैं, हम किससे मदद मांगे? जब ये लोग ऐसा बोलते हैं तो नेताओं के ऐसा बोलते हैं, कहते हैं हम नेता हैं, हमारा पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती, बताइए हम किससे मदद मांगे? तो आपने SSP से मिली थी आप जी? और हमारी मम्मी ने कई जगह रिपोर्टें भी दर्ज कराई, लेकिन कोई भी हमें इंसाफ नहीं मिल पा रहा। हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ दिला दीजिए। अगर इंसाफ ना मिलता तो बेटा क्या करेंगे? हम बहुत परेशान हैं अब, वो तो फिर अल्लाह ही जाने हम क्या करेंगे, लेकिन हम बहुत परेशान हैं, हमें इंसाफ चाहिए। हम कानून से यही दरख्वास्त करना है कि हमें इंसाफ मिले। हमारी चीज़ें, हम किसी की चीज़ नहीं मांग रहे हैं, हम तो अपनी खुद की चीज़ मांग रहे हैं। हमने किराए पर दी थी। FIR तो हो गई है ना जी? FIR भी कराई, लेकिन कोई अभी हमें वो नहीं दिखाई दे रहा कि हमारी दुकान खाली होती नजर आई। मतलब धमकी भी आती है किसी तरह की जी? जान से मारने की धमकी देते हैं हमारे ये छोटे छोटे भाई हैं, बताइए अगर इनका कुछ अल्लाह ना करे कुछ कर दिया इन्होंने तो हम क्या कर लेंगे? इसलिए हम बहुत सोच समझ के वो करते हैं कि बस अल्लाह इनकी हिफाजत करे हमारे भाइयों की। ये लोग तो बहुत हुए हैं, कहते हैं कि हम तो तुम्हारी जान भी ले लेंगे तो हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, कानून भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बताइए हम क्या करें? ठीक, हम काफ़ी बार FIR भी थी तो कोई हमें कोई फ़ायदा नहीं मिला, कोई हमारी दुकान खाली होती भी नहीं दिख रही ना हमारे साथ कोई वो है। पहले इनके सलूकों में इतनी ही बदतमीजी करते हैं, बहुत ज़्यादा गंदी गंदी माँ बहन और बेटी की गालियाँ बैठते हैं, घर में घुस के मारते हैं हमें। हमारी चीज़ ली इन्होंने, हमारी दुकान, और हमारी दुकान में कारोबार करते हैं और हमें ही मारते हैं। हमें हमारी दुकान चाहिए सिर्फ, हम नहीं आपसे करेंगे हमारी दुकान। फिलहाल मुरादाबाद की थाना गलशही पुलिस ने 3 सितंबर को ही कांग्रेस महानगर अध्यक्ष हाजी रिजवान कुरैशी, रफीक, फरहान, फैसल सहित एक अज्ञात के खिलाफ 147, 354, 452, 504, 506 IPC में मुकदमा दर्ज कर लिया है। लेकिन आज 10 दिन बाद पीड़िता के मीडिया के सामने आने के बाद पुलिस अधीक्षक नगर अमित आनंद के मुताबिक मामला दर्ज कर लिया गया है, जल्द ही जाँच के बाद जरूरी कार्यवाही की जाएगी। थाना गलशही में कांग्रेस नेता हाजी रिजवान कुरैशी
ये थाना गर्ल शहीद में एक महिला ने तहरीर दी है कि उसके घर में कुछ वाद विवाद हो गया था उसके किराएदार और उसके नौकर से। फिर बाद में कई लोग उसके घर पे आए जिसमें ये रिजवान कुरैशी का भी नाम उन्होंने लिया है। इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है, इसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर पूरी कार्रवाई की जाएगी। हाँ, इसमें जो उन्होंने आरोप लगाए हैं उसमें 354, 452 जो मारपीट की धाराएं हैं 323, 504, 506 वो भी इसमें अंकित की गई और इसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई पूर्ण करी जाएगी। वहीं कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष हाजी रिजवान कुरैशी के बचाव में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विनोद गुम्बर ने सामने आकर कहा कि सभी आरोप बेबुनियाद हैं, जो जल्द ही सच सामने आने के बाद खत्म हो जाएंगे। वहीं इस मामले में आरोपी कांग्रेस नेता हाजी रिजवान कुरैशी मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं। मैं ये नहीं मानता कि हमारे महानगर अध्यक्ष ने किसी भी बहन के साथ या माँ के साथ क्योंकि अच्छे परिवार से हमारे अध्यक्ष आते हैं। मेरे संज्ञान में प्रेस के द्वारा ये बात आई थी, मैंने पेपर में पढ़ा था। मैंने उनसे पूछा था कि अध्यक्ष जी क्या बात हो गई, तो उन्होंने मुझे बुलाया और 10-12 परिवार के लोगों को एफिडेविट उनके पास थे। उन एफिडेविट को लेकर हम सीओ साहब के पास गए। सीओ साहब गलशी थाने में बैठे थे, उनसे कहा कि देखिए इसकी पूरी जाँच कराइए, किसी महिला ने ये अगर कोई भी आरोप लगाए हैं गलत हैं या सही हैं इसको आप देखेंगे, गलत रिपोर्ट ना लिखी जाए। तो जो एफिडेविट थे एफिडेविट उनको दिए और वो बोले कि मैं इसकी जांच करूँगा।